जैन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो प्रीवियस क्लासेस, जैसा कि पिछली क्लास में तुम लोगों को बताया गया था कि कैसे रो और कॉलम को टेबल में लाना और हटाना, इट मीन एड एंड रिमूव, ये प्रक्रिया तुम लोगों को बताई गई थी पिछली क्लास में। तुम्हें एमएस वर्ड में कैसे किसी टेबल के अंतर्गत एक नई रो ऐड करना या रिमूव करना या एक नया कॉलम ऐड करना या रिमूव करना, ये दो चीजें बताई गई। ओके, सिमिलरली टुडे वी आर गोइंग टू नोइंग, वी आर गोइंग टू नोइंग अबाउट हाउ द सेल साइज इंक्रीज और डिक्रीज। सेल, यू नो सेल इज द सेक्शन पॉइंट, दिस इज सेल। ओके, सो चेंजिंग द व्हेन जस्ट चेंज द सेल साइज देन व्हाट्स हैपन, चेंजिंग द रो हाइट Changing the row height. Today's topic. First topic is changing the row height. कैसे हम किसी भी रो की हाइट को कैसे चेंज करेंगे? रो समझते हो ना बेटा? रो यही है, ये जो क्षैतिज लाइनें जा रही हैं, इन्हीं की जो हाइट है इसको कैसे बढ़ाएं या घटाएं, मींस कैसे इंक्रीज करें और डिक्रीज करें। देखो बेटा, अगर रो, जिस रो की तुम्हें हाइट घटानी या बढ़ानी होती है, सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद से लेआउट में जाओ, लेआउट टैब में जाओ, और वहीं लेआउट टैब में तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसमें लिखा होगा सेल की हाइट। जैसे ही ये बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, अगर मान लो उसका इंक्रीज करोगे जैसे ही इसको, ऑटोमेटिकली वो हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ने लगती है, ये हाइट क्या होगी और बढ़ जाएगी। और अगर डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे तो यही हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हुआ टेबल में रो की हाइट को घटाना एवं बढ़ाना। आगे चलते हैं, इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट चेंजिंग द कॉलम विड्थ। व्हाट डू यू चेंज? चेंजिंग द कॉलम विड्थ। फॉर चेंजिंग द कॉलम विड्थ, कॉलम यू जस्ट अंडरस्टैंड this type of vertical things is column. So column width means this. This is column width. And this width, if you need to change, मतलब कॉलम की चौड़ाई को अगर घटाना और बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें फिर से वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। या हमें रो की हाइट बढ़ानी हो, चाहे कॉलम का विड्थ, चाहे कॉलम का विड्थ, रो की हाइट बढ़ानी हो, चाहे कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी हो, ये दोनों एक जगह ऑप्शन मिलते हैं। लेआउट टैब में तुम्हें जाना ही पड़ेगा और लेआउट टैब में जाकर वहां कॉलम का हाइट ऑप्शन होगा, वहां हाइट ऑप्शन के पास
कुछ नंबर फिल होते हैं उन्हें क्या करोगे, चेंज करोगे। जैसे ही चेंज करोगे, जैसे अगर मान लो कॉलम की हाइट अगर 5 है, इसको इंक्रीज कर दोगे 15 कर दोगे, सॉरी कॉलम का विड्थ, कॉलम का विड्थ देखा होगा चौड़ा होगा, ठीक। तो इस तरह से हम रो की हाइट और कॉलम का विड्थ क्या करते हैं, बड़ा या छोटा करते हैं। बाद में अगला एक शब्द आता है कि अगर मान लीजिए हमें स्प्लिटिंग सेल, जैसे मान लीजिए यहां आपने बनाया है एक बॉक्स बनाया है, इसको और काटना ऐसे कर, तुम खुद काटना चाहते हो, तो अगर आपने कोई सेल बना लिया है, कोई टेबल ड्रा कर दिया है और उसमें खाने बनाने हैं अर्थात स्प्लिट करना है उसे, तो भी आपको वहीं जाना पड़ेगा, लेआउट टैब में स्प्लिट ऑप्शन पे जाएंगे और वो आपसे पूछेगा कि कितनी रो में काटना चाहते हैं और कितने कॉलम में काटना चाहते हैं। अगर ये दो चीज आप डिफाइन कर देते हैं, इफ यू डिफाइन रो एंड कॉलम स्प्लिटिंग, देन योर टेबल कंटेन्स दोज यू रो एंड कॉलम नंबर आर गिवन फॉर स्प्लिटिंग वर्क। ओके, तो सेल में कैसे आप काटेंगे डाटा को और कैसे आप काटेंगे सेल्स को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अभी तक हमने तीन चीजें सीखी। सबसे पहली चीज क्या थी आज, फर्स्ट थिंग इज हाउ द चेंज रो हाइट। सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे रो की हाइट को क्या किया जाता है, बड़ा किया जाता है। रो की हाइट सबसे पहले हमने सीखी कि कैसे रो की हाइट को इंक्रीज किया जाता है, और ये सेल होता है और सेल में ये रो की हाइट होती है। दूसरी जो चीज है, सेकंड वन थिंग्स, कॉलम की विड्थ, हाउ वी चेंज द कॉलम विड्थ, इट इज दिस। थर्ड हमने सीखा कि कैसे स्प्लिट किया जाता है। मान लीजिए एक सेल है, इसमें हमें दो कॉलम चाहिए, तो ये कैसे किया जाएगा, तीन चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बात आती है मर्जिंग सेल्स का मतलब होता है कंबाइन द टू और थ्री सेल्स इनटू वन सेल, यही मर्जिंग का सेल्स होता है। देखेंगे अगर हमने इस तरह का अगर कोई डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, और हमें यहाँ सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है, यहाँ नेम लिखना है और यहाँ एड्रेस लिखना है और यहाँ लिखना है कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीन सेल जो है 1, 2, 3 सेल, इनको एक सेल करना पड़ेगा। तो एक सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर लेआउट टैब में जाएंगे, लेआउट टैब में जाकर फिर क्या कहा क्लिक कर देंगे, वहां लिखा होगा मर्ज सेल, ठीक है। मर्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें, ये जो तितर बितर आपको दिख रही हैं, ये ऑटोमेटिकली एक सेल हो जाएगा, और जब एक सेल हो जाएगा तो आराम से यहाँ का आप कोलंबस स्कूल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मर्जिंग, मतलब दो या दो से अधिक सेलों को एक करना, एड इनटू वन सेल फ्रॉम वेयर टू और थ्री सेल्स व्हेन यू जस्ट सेलेक्टेड। लास्ट टॉपिक इज बॉर्डर एंड शेडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट टॉपिक इज बॉर्डर एंड शेड। फर्स्ट यू जस्ट सी, सपोज दैट दिस इज योर डॉक्यूमेंट एंड इन दिस डॉक्यूमेंट यू हैव टू इंसर्टेड दिस टाइप ऑफ टेबल एंड यू नॉट नो नीड टू शो द लाइंस ऑफ बॉर्डर। अगर आप ये जो टेबल इंसर्ट कराए हैं
इनकी लाइंस को देखना नहीं चाहते हैं। यू नॉट नो नीड टू शो द बॉर्डर ऑफ दिस लाइन। अगर आप इन सभी चीजों को देखना नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिमिलरली यू जस्ट गो बॉर्डर, बॉर्डर ऑफ वेयर, लेआउट, लेआउट में जाइए, बॉर्डर में जाइए और नन कर दीजिए। जैसे नन करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी सारी लाइनें हट जाएंगी, ठीक है? और लाइन है तो ऑल वाटर कर दीजिए, ऑल वाटर हो जाएगा तो आ जाएगा, नन हो जाएगा तो नहीं आएगा। लास्ट शेडिंग, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर थर्ड। ओके, सो लास्ट टॉपिक यह है कि शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी रो के पीछे तुम्हें कोई डार्क कलर लाना है, मतलब पीछे का क्या करना है, बैकग्राउंड किसी कलर में करना है उस सेल का, तो शेडिंग ऑप्शन से तुम उसको शेड कर सकते हो, ठीक है? इट इज द फिनिश, फिनिशिंग पॉइंट ऑफ चैप्टर थर्ड। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू गो टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस। ओके, यू जस्ट रिवाइज द चैप्टर थर्ड फ्रॉम बिगिंस टू एंड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।